अपन सैनिक एक्शन में आ चुके हैं, राज ठाकरे एक्शन में आ चुके हैं। राज ठाकरे ने कल गुड़ी पाड़वा के अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मस्जिद के लाउडस्पीकर्स को बंद करने की चेतावनी दी थी कि किसी भी कीमत पर मस्जिद के लाउडस्पीकर्स को मैं बंद करवा कर ही रहूंगा, मस्जिद के ऊपर लगे हुए भोंगों को मैं उतरवा कर ही रहूंगा। राज ठाकरे ने ये साफ तौर पर कहा था और अब राज ठाकरे कुछ बोले और मनसैनिक वो ना करे, ये कैसे हो सकता है? राज ठाकरे के बयान के बाद ये तस्वीरें मुंबई के घाटकों पर मस्जिद के सामने की ये तस्वीरें, जहां आप लाउड स्पीकर देख सकते हैं और मस्जिद के बाहर मनसैनिकों ने हनुमान चालीसा बजाया है। सुनिए सुनिए कि किस तरीके से राज ठाकरे ने कल महज बयान दिया, सरकार को चेतावनी दी कि मैं उतरवा कर ही रहूंगा। अगर सरकार ने वो भोंगे नहीं उतरवाए, लाउडस्पीकर्स नहीं उतरवाया, तो मैं आज यहाँ ऐलान करता हूँ कि मैं मस्जिद के सामने उससे भी ज्यादा तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाऊंगा और देखता हूँ कि मुझे कौन रोकता है। और ये देखिए राज ठाकरे के मन सैनिक और पुलिस भी वहां पर पहुंची हुई थी कि आवाज को कम किया जाए। राज ठाकरे ने कल साफ तौर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि मस्जिद के अजान की आवाज से हमें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, सुबह 5 बजे से अजान की आवाज जो है वो आने लगती है, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो होती है। ये देखिए, सुनिए आवाज, सुनिए हनुमान चालीसा की आवाज। मस्जिद के सामने उस पेड़ पर आप देख सकते हैं कि लाउड स्पीकर्स लगे हुए हैं और उसी लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा जो है वो बजाया जा रहा है। हनुमान चालीसा मस्जिद के सामने बजाया जा रहा है। राज ठाकरे ने कल खुली चेतावनी जो है वो दी थी और राज ठाकरे की चेतावनी के बाद राज्य सरकार को उन्होंने साफ तौर पर यह चेतावनी दी कि भाजपा जो मान रही है, मांग कर रही है, वो बिल्कुल ही सही मांग है। मस्जिद के बाहर, मस्जिद के ऊपर जो लाउडस्पीकर्स लगे हैं वो बंद होने ही चाहिए, क्योंकि इस लाउडस्पीकर से, आजान की आवाज से मुझे बहुत परेशानी होती है, सभी को परेशानी होती है। ये सुन सकते हैं आप हनुमान चालीसा की आवाज मस्जिद के बाहर। ये मनसे का झंडा ढोल नगाड़ों के साथ हनुमान चालीसा बजाया गया और उसके बाद वहां पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने मनसैनिकों से अपील की, मनसैनिकों से कहा कि आवाज कम की जाए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें हम आपको फिर से दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले राज ठाकरे की कल का वो बयान सुनो। या मशिनीवरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील, या सरकारला हा निर्णय घ्यावाच लागेल, नाही तर आजच सांगतोय, आत्ता सांगतोय, ज्या मशिनीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। मशिनीवरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील, या सरकारला हा निर्णय घ्यावाच लागेल, नाही तर
आज सांगतोय आता सांगतोय ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। त्या मशिदीवरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील। या सरकारला हा निर्णय घ्यावाच लागेल, नाही तर आजच सांगतोय आत्ता सांगतोय ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। त्या मशिदीवरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील। या सरकारला हा निर्णय घ्यावाच लागेल। Thank you.